जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज के टाइम पे हम जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं उन सब की एक प्रॉपर एक्सपायरी डेट होती है। एक्सपायरी डेट से आज के टाइम पे खाने की जो खाने के मटेरियल्स होते हैं उनकी एक एक्सपायरी डेट होती है। जो हम दवाइयाँ यूज़ करते हैं उनकी भी एक एक्सपायरी डेट होती है। तो जो हम व्हीकल्स यूज़ करते हैं उनकी भी एक प्रॉपर एक्सपायरी डेट होती है। अगर आप खाने की चीज़ों को एक्सपायरी डेट के बाद यूज़ करते हैं तो वो आपको एज अ सेहत पर आपके हार्मफुल हो सकती है। अगर आप मेडिसन्स को यूज़ करते हैं तो वो भी आपको हार्मफुल हो सकती हैं। अगर आप व्हीकल्स को उनकी एक्सपायरी डेट ख़त्म होने के बाद यूज़ करते हैं तो वो आपको उनके ऊपर चालान हो सकता है, आपको सजा भी हो सकती है उसके ऊपर। बट जब सब चीज़ों की एक एक्सपायरी डेट है तो क्या सिलेंडर, जो हम सिलेंडर यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, क्या उसकी भी एक एक्सपायरी डेट होती है? बहुत से लोग कहेंगे सिलेंडर की एक्सपायरी डेट कैसे होगी, सिलेंडर ख़त्म हो जाता है भरवा लो फिर यूज़ कर लो। नहीं, ऐसा नहीं होता। सिलेंडर की भी एक प्रॉपर एक्सपायरी डेट होती है। जैसा कि आपको यहाँ पिक्चर में दिख रहा होगा, इस सिलेंडर के ऊपर लिखा हुआ D18। अभी D18 है क्या? आपने भी कई लोगों ने नोटिस किया होगा हर सिलेंडर के ऊपर लिखा रहता है कुछ ना कुछ। तो ये है क्या? ये है इस सिलेंडर की एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट कैसे? जैसे कि साल में होते हैं 12 महीने, तो 12 महीनों में क्या है, इन्होंने ABCD की जो 4 अक्षर होते हैं उनको 12 महीनों में डिवाइड कर रखा है। मतलब कि मतलब फर्स्ट के 3 मंथ जनवरी फरवरी मार्च आते हैं ए, उसको डिनोट करते हैं ए से। एंड जो उसके बकाया जो 3 मंथ्स नेक्स्ट मंथ अगले 3 महीने होते हैं उसको करते हैं बी से, उसके अगले 3 महीने सी, उसके अगले 3 महीने डी। एंड जो यहाँ पर 18 लिखा हुआ है ये है 2018, इसका मतलब है 2018। तो ये सिलेंडर की जो एक्सपायरी डेट है ये आपको लास्ट के 3 महीनों में किसी भी 2018 में ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।